सऊदी अरब बनाने जा रहा है 170 किलोमीटर लंबा ऐसा शहर जहां पर कोई सड़क, कोई कार और कोई फ्यूल एमिशंस नहीं होगा। इसका 95% लैंड एरिया प्रिजर्व किया जाएगा फॉर क्लीन एनर्जी नेचुरल रिसोर्सेज के लिए। एक्चुअल में दोस्तों 1938 में ऑयल डिस्कवरी से पहले सिर्फ रिलीजियस ट्रैवल ही सऊदी अरब की वाहिद इनकम थी, लेकिन आज सऊदी अरब यूएसए के बाद दूसरा बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन चुका है जो कि 1 करोड़ बैरल लीटर से भी ज्यादा प्रोड्यूस करता है ऑयल। लेकिन दोस्तों 2050 तक ये ऑयल हो जाएगा खत्म, इसीलिए किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज और प्रिंस सलमान का है विजन 20, क्योंकि इनकी दौलत का अंदाजा तो हम 2.4 बिलियन डॉलर की जीडीपी ऑफ इकोनॉमी से ही लगा सकते। इस बात को आसानी से समझने के लिए एलन मस्क, वॉरेन बफे, अमेज़न के जेफ बेजोस या दुनिया के 20 अमीर तरीन आदमियों की लिस्ट को भी इकट्ठा कर लें तो भी सऊदी किंग की दौलत को नहीं पहुंच सकते। लेकिन ये डिपेंडेंसी चेंज करने का इरादा कर लिया है और अपनी दौलत में मजीद इजाफा होगा जब ये जाएंगे अपने टूरिज्म के। टूरिज्म में है उनके पास यूनिक आइडिया, वो है वेस्टर्न टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का। एक ऐसा इलाका बनाने जा रहे हैं जहां पर बिजनेस जोन चेंज हो जाए, लाइफ डिफरेंट तरीके से हो और प्लानिट की केयर भी एक इंतहाई हैरान कन तरीके से हो। ये तो है उनका एम, इसके ऊपर वो काम करेंगे 14 सेक्टर्स के अंदर। तो सऊदी अरब का विजन है कि हम ऐसे लोगों के लिए जगह बना रहे हैं जो कि बड़ा सोचते हैं और बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों इस प्रोजेक्ट के हैं 5 हिस्से। नंबर 1 सिंदेला, एक ऐसा आइसलैंड तो हम इमेजिन कर सकते हैं यूएई के पाम से, लेकिन इससे होगा साइज में 10 गुना बड़ा। दूसरे नंबर पे है ट्रोजेना, एक ऐसा माउंटेन डेस्टिनेशन जो कि सारा साल ओपन रहे टूरिस्ट के लिए। यहाँ पर होंगे नेचुरल फाउंटेन्स और पूल्स, उसके अलावा पूरी आइस स्केटिंग के लिए जगह। तीसरे नंबर पे है ऑक्सागोन, एक ऐसा ट्रेड सेंटर जहां पर दुनिया की 13% ट्रेड हो सके और जिसके नतीजे में बन जाएगा सऊदी अरब एक बिजनेस हब, क्योंकि यहां पर 40% दुनिया के लोग ट्रेवल कर सकेंगे सिर्फ 4 घंटे के अंदर। चौथे नंबर पे है लेहजा प्रोजेक्ट, जो कि है 3 होटल्स पर एक पहाड़ों के सिलसिले के बीच में, लेकिन ये होटल बाहर से विजिबल ही नहीं है और शो करते हैं मॉडर्न वर्ल्ड को। पांचवें नंबर पे है द लाइन प्रोजेक्ट, 170 किलोमीटर लंबा, 500 मीटर हाइट और 200 मीटर चौड़ा, 170 किलोमीटर का ऐसा शहर जो कि 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। सबसे मजेदार तो उसका अंडरग्राउंड है जहां पर चल रही होंगी इंटरलूप ट्रेन्स, हाइपर ट्रेन्स और हाइपर लूप, जिसके साथ बात हो रही है एलन मस्क के साथ और बहुत ही जल्दी इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाएगा। मिडल लेयर है जहां पर होगी नेचुरल एनर्जीज और वाटर सीवरेज और बहुत सारा निजाम दिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड पर होगी कोई सड़क नहीं, सिर्फ लिवेबल बनाया जाएगा तमाम रहने वाले लोगों के लिए और वो गैर की गाड़ी के एक जगह से दूसरी जगह विद इन 20 मिनट्स पहुंच जाएंगे 170 किलोमीटर को कवर करके। लेकिन दोस्तों ये सब कुछ होगा कैसे? नंबर 1 पे है रिन्यूएबल एनर्जी, जो कि 100% दावा किया जा रहा है कि हम विदाउट फ्यूल बनाएंगे। तो कैसे होगा कि 1 अरब लोग जो वहां पर सालाना विजिट करेंगे या रहेंगे उनके लिए फ्रेश वाटर किस तरीके से बनाया जाएगा? अब से पहले दोस्तों हम लोग फॉसल फ्यूल सी वाटर को प्रोसेस करके बनाते हैं, लेकिन ये एक हाई कॉस्ट मेथड है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसे डोम बनाए जाएंगे जहां पर सी वाटर इकट्ठा किया जाएगा, सोलर पेड के लिए हॉट किया जाएगा और स्टीम को प्रोसेस करके ड्रिंकिंग वाटर के एनेबल बनाया जाएगा और 5 करोड़ लीटर डेली फ्रेश वाटर अवेलेबल होगा फॉर दिस प्रोजेक्ट। लेकिन अगर हम देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट $1 से भी कम की आती है, जो कि है $0.38। दूसरे नंबर पे है एनर्जी, ऐसी एनर्जी जो कि नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जाए और सऊदी अरब में इसकी कोई कमी नहीं है, खासतौर पे सोलर जो कि हॉट वेदर के अंदर बहुत अच्छा काम करते हैं। दूसरे नंबर पे है विंड एनर्जी, क्योंकि ये समंदर के किनारे बनाया गया है और इसकी लोकेशन भी बड़ी कमाल की है रेड सी के साथ। इसके एक साइड पे है इजिप्ट का वो शहर जो कि मशहूर टूरिस्ट की अट्रैक्शन रहता है, जिसके बाद सऊदी अरब और इजिप्ट में हो जाएगा एक ऐसा ब्रिज काइंड जो कि बाईपास कर देगा इसराइल के रास्ते को।
नेचुरल रिसोर्सेज से एनर्जी बनाने में ग्रीन अमोनिया को यूज किया जाएगा, जो कि 100% रिन्यूएबल एनर्जी है और वाटर और एयर को मिला के बनाई जाती है। तीसरे नंबर पे हमने देखना है कि फ्यूल एफिशिएंट ट्रेन्स किस तरीके से चलाई जाएंगी। दोस्तों हाल ही में विजिट किया है एलॉन मस्क ने हाइपर लूप अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में सऊदी अरब, और एलॉन मस्क की हाइपर लूप अंडर प्रोसेस है इसी प्रोजेक्ट में। लेकिन साथ साथ वोलो कॉप्टर 150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी होम टैक्सी हर जगह अवेलेबल होगी। तो लोगों का ये थिंकिंग है कि 2030 तक इतनी हाई फाई किस्म की आइडिया किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये तो रियलिटी में बदल रहा है दोस्तों। वहां पर मूवीज की शूटिंग हो रही है, एथलेटिक रेस हो चुकी है, फार्मूला 1 रेस में प्रमोशन जारी है, फुटबॉल टीम ऑर्गेनाइज कर दी गई है और फुटबॉल स्टेडियम अंडर प्रोसेस है। नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने के लिए एनिमल्स लाए जा रहे हैं और बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस को डेवलप किया जा रहा है। अगर हम 20 साल पहले दुबई को देखें तो वो भी कोई नहीं कह सकता था कि इस तरह का सहरा बना सकते हैं। किंग सलमान का ये विजन 2030 लगता है कि बहुत जल्द ही पूरे खित्ते की शक्ल को बदल देगा।